तो तू सीरियसली सोच नहीं सकता इसने कैसे बोला है इसकी ऐसी चुड़ी के बीच में। राम एक बार और, एक बार और, एक बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। फिर से थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा थक गया हूँ, एक्चुअली बहुत थक गए हैं। आज कुछ दिन में सोया नहीं हूँ जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, एंड जस्ट अभी लास्ट ब्लॉग को कंप्लीट किया करके प्राइवेट करके शूट, मतलब प्राइवेट कर दिया उसको। बस सुबह उसका जो भी टाइमिंग डिसाइड करनी दोस्तों के साथ मिलकर कर दूँगा, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। एंड जो मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया जल्दी इसलिए किया था क्योंकि आज जो था मम्मी का बर्थडे था, तो मैं उसको उसमें नहीं डालना चाह रहा था, उसको एक अलग से ब्लॉग बनाना चाह रहा था। तो वही है, जो भी शूट किया आप लोग वो देखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से सुबह। मैं जाऊँगा सोने को, आ रही है बहुत तेज नींद। Happy birthday to you. मॉर्निंग गाइज, जस्ट अभी नीचे आया हूँ मैं अपना कार्डियो करने। रात जो केक वगैरह सब कुछ खाया उसकी कैलरीज को बर्न करने ना, बॉडी में स्टोर हो जाएंगी, फैट चढ़ जाएगा। तो आज फिर से योगा करने वाला हूँ, एंड आज करूँगा 1000। मेरा टारगेट होगा सिर्फ आज 1000 के ऊपर करूँ, 1 किलोमीटर के ऊपर मतलब। सो लेट्स स्टार्ट। हो गया कार्डियो योगा टेस्ट, 920 ही कर पाया मैं, 1000 का टारगेट था पर 920 पे जाके मैं हालत इतनी ख़राब हो गई कि पेट ने पकड़ लिया। एंड एक चीज़ और, मैंने रिकॉर्डिंग करनी चालू करी दूसरे फ़ोन से, पता नहीं वो फ़ोन कैसे बंद हो गया कि कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, फाइल दिखा रहा है मतलब एरर आ रहा है। पीसी में चेक करूँगा वो फाइल पीसी में चलती है नहीं चलती है, फ़ोन में तो नहीं चल रही है। अब बस ऊपर जाके अपना ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेश होके दोबारा से नीचे मिलता हूँ। और गया नीचे फ्रेश होके, जल्द से गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं। मैं जा रहा हूँ फिर से, आज प्रैक्टिकल है। डेट तो वैसे कल की थी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे, नेक्स्ट डे, पर टीचर ने सबसे परमिशन ले लाके अगर किसी को दिक्कत नहीं तो आज कर दिया, ठीक है कल जाना, आज जाना एक ही बात है, इतना कोई बिग इशू था नहीं। तो जल्दी से निकलते हैं। ये जो भी गड्ढा आएगा ना, ये इसके चक्कर में जो मैं बोलता था ना एक टाइम पे जब बारिश का सीजन था कि बारिश में यहाँ जाम लगता है रोड के आगे, ये गड्ढा था जिसके कारण जाम लगता था। अभी दोस्त को पिक करना है, आज सबसे पहले उस दोस्त को पिक करना है जो सबसे लास्ट में पिक होता था, टाइम टाइम की बात है। खाली नहीं बैठा जाता, मैं यहाँ पे आ गया था 8:05 पे, अब बोर हो जाता होगा है ना। हाँ हाँ पता है, मैंने सोचा लेट हो, ऐसे निकल रहा है मैं घर से और फिर लेट हो जाएंगे हम, और लेट खुला है क्या यार। राम तू बैठा कैसे था? ये रतन कहेगा साले आजकल तो रोज इधर से आ रहा है, मेरे को वहां तक क्यों बुलाता है? यही कह रहा होगा कि मेरे को इतना की चलाया है। साले मैंने कहा उसको बोल दिया था 24 पे चढ़ रहे हैं, चल तेरी ऐसी की तैसी चल ले, थोड़ा मैसी पेट निकल रहा तेरा, सारे चिल्ला रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं पता। तू गाड़ी गाड़ी बढ़ा दे, मैंने फोन से कम कर दी, अबे टाइम पे नहीं आ जाता
टाइम पे था, टाइम पे वहां पे देखा पहुंचा है नहीं, पहुंच गया कर रहा है, देख रहा ट्रैफिक। अच्छा मेरे को ये पता है यहाँ से निकलेंगे नहीं निकलेंगे इस रेड लाइट पे? निकलेंगे। जो गलत कुछ भी साढ़े नौ तक अगर वही तो पता है क्या तो जल्दी ले लेगा। पता है तुमने ना मैसेज कर दिया था ना कि 8 बजे से आना है, वो ये मेरे पास फोन करके कह रहा है मेरे पास तो यार मोहित ने फोन किया नहीं कि कितने बजे आना है। मेट्रो बैठा बंदे बैठे बिना उसके मास्क के, मेरे का साले फोटो खींच नहीं सकता, मैं इसको वीडियो कॉल करता हूँ और रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा और उस पे डाल दूंगा, सेल डाले ने उठाई नहीं। मेरे पास भी गया था, मैं सोचा लगता है कार ये मेट्रो में ज्यादा कहां से अकेला महसूस कर रहा हूं मैं। हां साले देख रहा उठाई नहीं साले ने, मतलब देखा था इसने, इनको ना कैमरे ऐसे हो जाए ना ऐसे लगा दे आगे तक जाएंगे। ये साला जूम इन होगा। अगर घोड़े की नाल मिल गई तो घोड़ा ले लेगा। हो गया वाइव प्रैक्टिकल जो भी था एंड अवर लंच टाइम, लंच करते हैं उसके बाद निकलते हैं जल्दी से, अभी दो चौपियों का एक्सपीरियंस लेते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। भाई पेपर तो बहुत अच्छा गया और वाइवा भी बहुत अच्छा गया। रतन तू सीरियसली सोच नहीं सकता इसने कैसे बोला है इसकी ऐसी छूट के बीच में। राव एक बार और भाई पेपर तो बहुत अच्छा गया और वाइवा तो अच्छा जाना ही था, टीचर अच्छा नहीं था ना। सचिन या संदीप क्या कह रहे थे? कह रहे थे सर हमसे क्लीनिंग करवाई और इस पे नमक वाला काम करवाई। कौन कौन कौन? सचिन और संदीप जो थे। मुझे हंसी आ रही इनसे, तो कर्मचारी वाला काम करवा लिया उन्होंने। लगाइए गांव वाली भाभी से बात कर रहे हैं। गांव वाली क्या तेरी पता कुछ ऐसे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम भंडारा से राम जाने उतरना उतार रहे हम मैं तो कहा भैया कह रहा चल रही है रिकॉर्डिंग चल रही है रिकॉर्डिंग दिख नहीं है नीचे देखेगा ढंग से दिख जाएगी। तेरी है ना तो फिर ले लिया बैग और कुछ रह गया है। बाय 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 नीचे लेनी है और कहाँ से भी लेगी फोल्डिंग लेनी है साले ब्रेड खाएगा वहां पे अब जाके तू साले वहां कोल्ड ड्रिंक यहां से पीते हुए चल रहा है ना वहां को वहां ब्रेड भी खा लेंगे। आज मोहित भाई जान पे खेल रहे हैं आज रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मीडिया पूछेगा जरूरत क्या थी क्या जरूरत थी इस चीज के लिए क्या जरूरत थी तो कोल्ड ड्रिंक मांग रहे ये अबे ये बताने की हालत में ही नहीं रहेगा। नहीं मान ले बता भी दिया तो कहेंगे चलो सुराग कुछ बता रहा वो तीन बैटन को कोल्ड ड्रिंक पिला दो पहले। मोहित भाई की जॉब लग गई है
कोक ला रहे हैं और जॉब में जॉब के चक्कर में आज कोल्ड ड्रिंक तो लौंडा जानता है कि फोटो खींच रहे हैं गई माल आ गया आ गया आ गया। ए साइड में रोक साइड में रोक साइड में रोक मेरे भाई। क्या हुआ गाड़ी काहे को रुका रहे? जब मैं छोटा था पढ़ रहा था मतलब अब कौन सा बड़ा है? अब पढ़ना छोड़ देगा ये तू साले कहीं से रिफिल तो नहीं कर रहे थे? अब एक दिन ना अबे देख एक पेपर में ना पेन लेके आऊंगा मार्कर तो है ही बस याद दिला देना मुझे साइन बात करें एक पेपर में पेन लेके आएगा। अरे मार्कर वाला मार्कर वाला मार्कर वाला भी बोला भाई पूरा सुन ना साइन ठोकने के लिए और सुन और उस होटल को ना मैं बताऊँ फिर क्या करेंगे बागवान की तरह तीन महीने चार महीने तीन बागवान की तरह सबके घर जुड़ेंगे। ऐसे क्या था हमने क्रिकेट किया था तू साले वो है हमारा बारटेंडर बारटेंडर भर भाई माल माल भर माल भर तू हमारा बारटेंडर माल भर क्या मारा हेटर बंद कर मेरा ड्रिंक बना ये चिल्ला मत बना रहा हूं बात मत कर बहुत ही नीट भी रहे हां भैया बोतल कौन ले जाएगा एडी साइड पे साइड में फेंक देगा फेंकना तो तुझे घर लेने तेरे घर में वैसे बहुत अगली बार तो कोल्ड ड्रिंक लाएगा कोल्ड ड्रिंक लाएगा उसमें अबे ये नहीं उसमें ज्यादा माल आएगा ना। कर दिया सबको ड्रॉप सेम डायलॉग हो रखा है आजकल मेरा ये सबको ड्रॉप करने के बाद में मस्त एकदम आज तो उसे तो घड़ी मेरी पता नहीं टाइम कितना हो रहा है अभी एक मिनट अभी टाइम हो रहा है 12:20 तीन घंटे का तो फर्क मान ही लो 3 घंटे पहले छुट्टी हो गई सब कुछ हो गई मस्त फुल मजे लेके आया आज इतनी कोई टेंशन नहीं थी। हाँ अब सबसे मिलूंगा मैं आज 18 चार दिन के बाद में आराम से जब तक अपनी पढ़ाई करनी है एंड गाड़ी एकदम मस्त भाग रही है सीएनजी पे एसी ऑन तो अब मिल घर पहुंचते हैं जल्दी से अगर बीच में कुछ होता है तो दिखा दूंगा। पहुंच गया घर बिल्डिंग में हे गर्मी मैं तो स्टार्टिंग से एसी में बैठा था मेरे को अब पता चल रहा है पर ये कि मेरे को इतना गर्मी का इफेक्ट नहीं पता चलता वो जितना बाकी दोस्तों को पता चलता वो तो धूप में उतरते मैं तो छांव में उतर रहा हूँ एंड लास्ट का 1 किलोमीटर घर पहुँचने से पहले एकदम मस्त गया मक्खन की तरह क्योंकि सीएनजी खत्म हो गई थी पेट्रोल पे गाड़ी एकदम भगा के रहा हूँ एंड अब जल्दी से ऊपर जाता हूँ आराम से फ्रेश वगैरह होके मिलता हूँ। आ गया ऊपर हो गया फ्रेश नहा लिया सो लिया दोबारा सो लिया दोबारा सो लिया एक्चुअल में ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ कल मतलब मैंने कुछ नहीं किया ये वीडियो 3 दिन चल गई है 17, 18, 19 आज 19 है एंड अभी बस वीडियो मैं मतलब एडिट करके इसको अपलोड कर मतलब रेंडर कर दूँगा ये मेरे को पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगी तो पता नहीं 3 दिन चलेगी या 4 दिन चलेगी तो बस हो गई वीडियो एडिट ऐसी मर्जी हुई है और टाइम इसे लग गया क्योंकि एग्ज़ाम आ गया तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहा था एडिटिंग बहुत लंबी वीडियो हो रही थी क्या काट के डाल रहा हूँ सब में चीज़ें चेक करनी पड़ रही थी छाँटनी पड़ रही थी चक्कर में वीडियो लंबी हो गई है एंड तो बस इस वीडियो को सिर्फ इतना ही है एंड अगली वीडियो पता नहीं कब आएगी मेरे को आइडिया नहीं है आज है 19 तारीख अगली वीडियो मे बी 26, 27, 28 तक आएगी इसके बीच में कोई वीडियो नहीं आने वाली है ब्लॉग मतलब शायद एक्सरसाइज वगैरह की आ जाए वो भी मेरे को कन्फर्म नहीं है तो बस इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं अगर वीडियो आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना तो बस एज ऑलवेज स्टे फिट स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी मिलते हैं जब भी ब्लॉग आएगा तब आदत होगी 10 बजे बोलने की हैव अ नाइस डे या शुड आई से गुड नाइट क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है वीडियो कब अपलोड होने वाली है पता नहीं हैव अ नाइस डे या गुड नाइट दोनों अपलोड।